रिवायात में मिलता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस कैफियत में थे कि आपको तलवारों और नेज़ों से ज़ख्म लगाए जा रहे थे और आपके ज़ख्मों से खून की धारें रवा थी, ऐसे में आपने अपनी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। मौरखीन का बयान है कि इस खुतबे के बाद सैयदुश्शहदा थोड़े ही वक्त तक ज़िंदा रहे। आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाना शुरू किया, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और इस दुनिया से डरते रहो। अगर दुनिया किसी के लिए बाकी रहती और कोई इस दुनिया के लिए बाकी रहता तो इसके सबसे ज़्यादा मुस्तहिक अंबिया थे, इसीलिए कि वही लोग अल्लाह की रज़ा से सबसे ज़्यादा करीब और इसके फ़ैसलों पर सबसे ज़्यादा राज़ी रहने वाले लोग थे। लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया को इम्तिहान और आजमाइश के लिए खल्क किया और अहले दुनिया को फना होने के लिए पैदा किया। इस दुनिया की हर शय पुरानी हो जाती है, इसकी नेमतें नापैदा हो जाती है और इसकी खुशी बदमज़ा हो जाती है। ये दुनिया रहने के लिए नहीं बल्कि सामान सफ़र इकट्ठा करने की जगह है। तुम भी बेहतरीन सामान सफ़र मुहैया करो और वो तकवा है, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम्हें कामयाबी मिले। जिन हालात में यह खुतबा दिया गया और इस खुतबे में सैयदुश्शहदा हिदायत के जिस मुकाम बुलंद पर फाइज है, वो अव्वलीन से आखरीन तक मुनफरिद है।